और आप तो अकेले हैं, आप कैसे जीत पाएंगे? ऐसा करो, आप लड़ाई मत करो, आप यहाँ से चलो। श्याम कहने लगे बिल्कुल नहीं। और तब तक दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने ज्यों ही एक लड़की को श्याम के साथ में देखा, दाऊ भैया कहने लगे, ए श्याम, लड़की किसकी है? जवाब दिया दाऊ भैया, मैं आ नहीं रहा था, इस लड़की ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी थी, मैं इसलिए यहाँ पर चला आया। क्यों लड़की, अपने माता पिता की इज्जत धूल में मिला के और तू श्याम के साथ भाग के आई है? नहीं दाऊ भैया, मैंने दादा ये मैंने नहीं किया है, मुझे मजबूरी में करना पड़ा। तेरे साथ इतनी मजबूरी क्या थी? तो रुकमणी कहने लगी, दादा मेरा भैया मेरी सगाई अपने साले के साथ कर रहा था, मैंने सोचा इससे तो अच्छा मैं भगवान कन्हैया के चरणों की दासी बन जाऊं। क्या कहा? तेरा भैया तेरी सगाई अपने साले के साथ कर रहा था? जवाब दिया, हाँ दादा। ठीक है श्याम, तुम बहू को लेकर के घर जाओ, इतने सारे धान मेरे मूसर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। श्याम सुंदर ने एक साइड से हरिया भरी, पलक झपकते ही सारी सेना को परास्त कर दिया। रुकुम ने यह प्रण किया था कि अगर मैं श्याम से अपनी बहन रुकमणी को छीन के नहीं ला पाया तो मैं लौट करके कुंडन पर मैं मोह नहीं दिखाऊंगा। श्याम ने रुकुम को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा, रुकमणी ने समझा मेरा भैया मारा जाता है, तो रुकमणी हाथ जोड़ करके चरण पकड़ के बोली अपने प्यारे कन्हैया से और कहने लगी, नाथ सुधी भैया किया मैं।
रुकमणी कहने लगी, नाथ जगह जगह पर भैया की याद आएगी, क्योंकि भाई बहन का एक अटूट बंधन होता है, पवित्र बंधन होता है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे भैया को मत मारो, क्योंकि अगर मेरा भैया मारा गया तो मैं जब कभी यहाँ आऊंगी संग की सहेलियां मुझे ताना मारेंगी और कहेंगी कि रुकमणी ऐसी शादी वाली हुई थी जिसने अपनी शादी में ही भैया को मरवा दिया। नहीं नाथ, मेरे सर पर कलंक लग जाएगा, ऐसा मत करो।